चुनाव आयोग ने क्यों मायावती पे दिखाता जा रहा है सख्ती। मायावती की हर रैली पर होती है तीखी नजर चुनाव आयोग की। मायावती ने मुसलमानों से गठबंधन को एक तरफा वोट की अपील की और आयोग हुआ सख्त। सहारनपुर के देवबंद में सपा बसपा रालोद गठबंधन की पहली संयुक्त रैली में बसपा अध्यक्ष मायावती का भाषण विवादों के घेरे में आ गया है। रैली में मायावती ने मुसलमानों से गठबंधन को एक तरफा वोट देने की अपील की। इसका संज्ञान लेते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने सहारनपुर के जिलाधिकारियों के साथ रिपोर्ट मांगी और भाजपा ने भी चुनाव आयोग से मायावती की इस अपील की शिकायत की। हम आपको बता दें कि नमो चैनल टीवी पे लॉन्च हो गया, कोई भी इसका जवाब देने को तैयार नहीं है कि ये सैटेलाइट डिश पे कहां से आया नमो चैनल। उसके खिलाफ चुनाव आयोग ने कोई भी याचिका नहीं मानी और उस पे बात करने से भी मना कर दिया। मोदी सरकार के चुनावों के बीच में मूवी आ रही है जिसपे चुनाव आयोग का कोई भी एक्शन नहीं है। बीजेपी के तमाम नेता विवादित बयान देते हैं, उसके ऊपर चुनाव आयोग कभी शिकंजा नहीं कसता है। चुनाव का माहौल है, हर एक व्यक्ति विशेष हर एक पार्टी अपने आप में बोलती है कि आप हमें वोट करें, हमारा नेतृत्व सबसे अच्छा होगा, फिर चुनाव आयुक्त इस छोटी सी बात को इतना बड़ा तोल क्यों दे रहा है। वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने चुनाव प्रबंध प्रभारियों से जीपीएस राठौर ने रविवार को देवबंद की रैली में मायावती की मुसलमानों से की गई एक तरफा अपील को धार्मिक उन्माद फैलाने का भाषण बताया। लिखित शिकायत में उन्होंने कहा कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है, किसी एक दल को सीधे वोट देने के लिए दबाव डालना उचित नहीं है। राठौर ने मांग की कि चुनाव आयोग द्वारा, ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। अपने भाषण में मायावती ने कहा कि मैं खास तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहूंगी कि आपको भावनाओं में बहकर रिश्ते नातों की बातों में आकर वोट को बांटना नहीं है, बल्कि एक तरफा वोट को गठबंधन को देना है। मायावती ने रैली में मुसलमानों से खास तौर से अपील करते हुए कहा कि वह कांग्रेस को वोट ना देकर सिर्फ गठबंधन को मजबूत बनाए ताकि भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जा सके। गौरतलब की निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के सभी राजनीतिक दलों को नेताओं व प्रत्याशियों के प्रचार के दौरान जाति धर्म भाषा के क्षेत्र में नाम पर ऐसी भावनात्मक अपील करने से परहेज करने को कहा जिससे समाज में आपसी भाईचारा बना रहे। गठबंधन की मजबूती को देखते हुए सभी बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं, अपनी सीट बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो रखे हैं। इस वक्त अधिकतर बहुजन समाज के लोग ये बोलते हैं कि बहन कुमारी मायावती लिखकर भाषण क्यों बोलती हैं। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि चुनाव आयोग ही नहीं, पूरा देश बहन कुमारी मायावती के पीछे है कि कुछ भी गलत शब्द निकले और बहन जी के ऊपर कोई ना कोई मुकदमा लगाया जा सके। इसीलिए बहन जी पढ़कर बोलती हैं और संविधान के दायरे में रहकर बोलती हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।